गॉड, कार्तिक के कॉल को तो होल्ड पे रखा था मैंने. ओह गॉड, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया. आई एम सो सॉरी कार्तिक, कि हड़बड़ाहट में ना भूल ही गई. फोन कर लेती हूँ. क्या हुआ नील, बोलो. तो मैम आप आज क्या लेंगे? परफेक्ट. मैम तुमने अपनी ये एक्सपर्ट करी शो ऑफ करने के लिए फोन किया? अब सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी जेम्स बॉन्ड की मूवी में आया हूं. और यहां पे मिस्टर बॉन्ड पता कौन है? मैं. मुझे बहुत मजा आ रहा है सच्ची बताऊं तो. घूर क्यों रहे हो मुझे? बुरी लग रही हूँ क्या मैं? थोड़ा ज्यादा सज गई हूँ ना नील? नहीं, मतलब सॉरी, बहुत अच्छी लग रही हूँ. मैं घूर नहीं रहा था वो. हाँ मतलब अच्छी तो लग रही है. वैसे ओकेजन क्या? वो एक्चुअली शोभना दादी का बर्थडे है और गार्गी ताई जी ने कार्तिक को बुला लिया है यहाँ पे सबसे मिलने के लिए. अच्छा तो आज ही वो दिन है जब तुम कार्तिक को सब महाजनों से मिलवाओगी. और मेरी हालत सोचो नहीं, मेरी ऑलरेडी हैपनिंग लाइफ में एक और हैपनिंग इवेंट हो रहा है. नील यार, आई रियली होप सब कुछ अच्छे से हो जाए. नील मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ. वो एक्चुअली शोभना दादी का बर्थडे है और गार्गी ताई जी ने कार्तिक को बुला लिया है यहाँ पे सबसे मिलने के लिए. बस नील, बस 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 बस, मत सोच मत सोच, काम करने हैं उस पे ध्यान दे. पेश है आपके सामने मिस यूवे का प्रेमराज महाजन. कितनी अच्छी लग रही है, तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए. ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी दादी जो महाजन की रेपुटेशन, स्टेटस, आन बान शान को लेकर इतनी परेशान रहती है, वो कार्तिक से मिलने के लिए अचानक मान कैसे गई, वो भी अपने बर्थडे के दिन पे. मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है. गार्की भाभी अचानक कार्तिक से मिलने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? वो बात भी है माँ, लेकिन पार्टी में अगर किसी ने भी कार्तिक के साथ बदतमीजी की ना, तो दी से पहले मैं अपना आपा खो बैठूंगा. अर्जुन, हमें सतर्क रहना है लेकिन शांत रखना है अपने आप को. हमें एक तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है. आई एम श्योर इस सब के पीछे गार्गी भाभी का कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है, वरना वो युविका की लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेंगी? सिंपल लॉजिक है मामा, ये सारे दी की शादी के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि दी की शादी हो जाए और उन्हें ससुराल भेज दिया जाए. लड़की गई ससुराल, निकल गया दाल से बाहर. आज तो पियेंगे, खूब मजे करेंगे. वेलकम टू फीनिक्स सर, स्पेशली आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑन ओन हाउस. बताइए क्या लेंगे आप? टोनी कहाँ है? और तो हमें फोकट की दारू क्यों पिलाएगा? भाई क्या है ना, नई नई नौकरी नहीं लिया, अब क्लाइंट्स का स्वागत अच्छे से करूंगा तो अपनी नौकरी परमानेंट. बताइए. विस्की? बिल्कुल सर. एंजॉय सर. वैसे पता नहीं सर आप लोगों को पता है या नहीं, पर
अभी जो फिनिक्स की नई मालकिन आई है ना, मतलब बवाल है भाई, बवाल बाय गॉड। मतलब जब से आई है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। और सर मैं गरीब आदमी, नई नई नौकरी मिली है सर, अब इसी से घर चलता है। आप लोग तो आते रहते होंगे ना यहाँ पे, मैंने सुना है कि यहाँ के जो पहले इंचार्ज थे ना, क्या नाम था, संग्राम राठी, हाँ मैंने सुना बहुत अच्छे आदमी है, मतलब बहुत ही अच्छा दिल है उनका। मतलब सब वो होते ना तो शायद मैं परमानेंट हो जाता, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। कार्तिक की कितनी स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन है ना दादा बाबू। भूमि बता रही थी प्रेम ने तुम दोनों के रिश्ते को आशीर्वाद दिया था, तो दादा बाबू धनराज क्यों ना हम इस रिश्ते को फॉर्मल कर दें, प्रेम के सपने को सच्चा कर दें। क्यों बच्चों, छठ मंगनी पट ब्याह, क्या कहते हो? हाँ भूमि, ताई जी अभी मैंने और युविका ने शादी के बारे में सोचा नहीं है। कार्तिक क्या मतलब है शादी करने की नहीं सोच रहे? जब एक दूसरे को चुन लिया है तो फिर शादी क्यों नहीं? शादी से पहले इस तरह से मिलना जुलना महाजन परिवार के रिवाज के खिलाफ है। हमारे घर की बेटियां ऐसा हरगिज नहीं करती। दादी आप इस घर की बड़ी हैं, आपने जो भी अभी कहा बिल्कुल सही कहा। आप मुझे अपना समझ के मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दादी, वो क्या है ना कि शफिका ने अभी नई नई काम की जिम्मेदारी संभाली है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि युविका भी शादी के लिए तैयार नहीं है, और मैं उसके इस फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। और दादी रही बात आपके परिवार के रिवाज की, अगर आपको मेरा युविका से ऐसे शादी से पहले मिलना पसंद नहीं है, तो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं युविका से नहीं मिलूंगा। अपने जीने के मकसद को पाने के लिए इतना गुम मत हो जाना कि किसी और का जीवन तुम्हारे लिए कोई मायने ना रखे। दादी, दादा बाबू, ये बात तो सच है कि फिलहाल जो मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरे ध्यान से निभाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कार्तिक और मैं हमारा रिश्ता ऑफिशियल कर दें, तो मम्मी क्या हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि सिर्फ मंगनी कर लें अभी? माश्री, मैं युविका के दिए सुझाव से सहमत हूं और मुझे प्रेम की चॉइस पर पूरा भरोसा है, तो क्यों ना हम पहले रोका या सगाई की रस्म पूरी कर लें? युवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटे, जाओ। कार्तिक, अब
मॉम, अच्छा किया जो आपने सख्ती बरती। ये आजकल के बच्चे ना, पहले तो मना कर रहे थे और अब एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए। मुझे तो लगता है अगर आप थोड़ी और पुश करोगी ना, तो ये शादी के लिए भी तैयार हो जाए। मुझे लगता है हमारे परिवार की इज्जत और उन दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा। शुभी, मैंने वहां कुछ गलत कहा क्या? आई मीन, मैंने तो वही कहा जो तुम कहना चाहती थी, क्योंकि शुभी जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, अभी सिर्फ तुम काम करना चाहती हो, राइट? फिर तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कर दी? कार्तिक, तुम जानते हो ना कि मैं सिर्फ पापा की कही हुई बात मानती हूँ। तो फिर उस वक्त ना मुझे पापा के कहे हुए शब्द याद आ गए। पापा ने मुझसे कहा था कि जीवन किसी भी मकसद से ना बहुत बड़ा होता है, और अपने जीने के मकसद में इतना मत खो जाओ कि दूसरों का जीवन तुम्हारे लिए कोई मायने ही ना रखे। और आप सब लोगों ने अपने जीवन को मेरे जीने के मकसद के साथ जोड़ लिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे आ गए मेरे साथ, और तुम कार्तिक, तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाए ना, तो मैं भी आप सब लोगों की फीलिंग्स की इज्जत करना चाहती हूं। और कार्तिक, हम दोनों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर्स चूज किया है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, इसीलिए तो हम अभी तक साथ में हैं ना, और आगे भी साथ में रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.